हेलो एवरीवन, रोज डे, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। स्पेशल डेज है सबके लिए, है ना। रंग बिरंगी गुलाब रोजेस लाए आज हम आपके लिए, वो भी दो इजी मेथड से बनाए रोजेस। चलिए देखते हैं कैसे बनाए। हेलो एवरीवन, किचन एंड टुक टाक की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पे एक पैन में मैंने एक बड़े चम्मच घी ले लिया है, पिघला लिया है। अभी एक कप में 3/4 हमने दूध ले लिया है और उबाल लिया अच्छी तरह से। उसी कप में 2 कप मिल्क पाउडर मैंने ऐड करना है। 1 कप ऐड कर लिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 2nd कप भी अच्छी तरह से हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। 3/4 कप ही, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम ही दूध लिया है मैंने, तो ये सफिशियंट है। और अभी उसी कप में 1/2 कप मैंने पाउडर्ड शुगर, मिक्सी में चीनी को मैंने पीस लिया है, वही मैंने डाल दिया है। आप अगर चीनी ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा चीनी ले सकते हो। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और ये जब पैन छोड़ने लग गया अच्छी तरह से, इनको आप गैस बंद कर देंगे और ये एक प्लेट में उतार लेंगे। और अभी 1 बड़े चम्मच घी इसमें डाल देंगे और गर्म रहते ही उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे। अभी एक लॉक की तरह बना लिया है मैंने। अभी 3 पार्ट में इसको काट लेंगे, 1 पार्ट थोड़ा सा छोटा और 2 पार्ट इक्वल साइज का, सेम साइज का लेंगे। अभी 1 पार्ट के थोड़ा पार्ट में थोड़ा सा येलो कलर, फूड कलर मैंने ले लिया है और ये रंग बिरंगी बनाने के लिए ये कलर लिया है। और अच्छी तरह से इसको ढक के रख लेंगे। वैसा ही जो छोटा गोला है वो ले लिया है मैंने और उसमें ग्रीन कलर मिक्स कर दूंगी, लेकिन उनको कवर टाइट से ढक के ज़रूर रखना है, नहीं तो सूख जाएगा। और ये 3rd में मैंने ये रोज़ कलर डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह से ढक के रख देंगे। ढक के रखना ज़रूरी है, नहीं तो सूखने का चांसेस रहता है। ये एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है मैंने और अच्छी तरह से इसमें घी लगा लेंगे और हाथ में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और अच्छी तरह से ऐसे जो पिंक वाला ले लिया है मैंने पहले, और ऐसे हाथ से स्प्रेड कर देंगे थोड़ा। अभी एक बेलन के मदद से ऐसे हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे, इतना सा थिकनेस चाहिए हमें। ये अभी मेरा 1st मेथड है। और ये कोई सा भी हम ढक्कन ले लेंगे। मैंने ये सॉस का बॉटल का ढक्कन ले लिया है। आप अपने हिसाब से पेटल जितना मोटा रखोगे, कोई सा भी बोतल का शीशी का ढक्कन ले लेना। ये मैंने सॉस का ढक्कन लिया है और ये ऐसे गुलाई में काट लेंगे और राउंड राउंड। और इसके बाद इसके जो बचा हुआ टुकड़े हैं इनको इकट्ठा करके ये रख लेंगे, ये ढक के रखेंगे और ये 2nd टाइम हो जाएगा हमारा। ये हमारा 1st मेथड है रोज़ का। ऐसे पेटल का जो बीच में होता है ऐसे मैंने ले लिया है, एक राउंड लेके। अब ऐसा मैं अब शेप देते जाऊंगी। ऐसे देखिए, ऐसे मैं प्लेट में बिठा दूंगी तो बेस बन जाएगा रोजेस का, नीचे जो पार्ट होता है ना वो वाला पार्ट बन जाएगा और ऐसे मेरा रोजेस बन जाएगा। मैंने यहाँ पे ये जो राउंड बनाया सर्कल, ये मैंने 7 लिया है, 7 सर्कल मैंने लिया है। आप और बड़ा बनाना चाहते हो तो और सर्कल्स और पेटल्स भी ले सकते हो। तो बन गया ना ये हमारा पहले मेथड से रोज़, कितना क्यूट लग रहा है ना दोस्तों। ऐसे ही और एक बना लेंगे हम। ये पहला वाला ऐसे मोड़ देंगे, फिर 2nd वाला ऐसे हम जोड़ते जाएंगे जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा सर्कल नहीं काटना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना, क्योंकि पतले है तो फट जाएंगे और मोटा है तो चिपकाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस तरह से हमारा रोजेस बनके तैयार है, क्यूट क्यूट सा। और इसी तरह से मैं सारे रोजेस बना लूँगी। ये काम थोड़ा सा जल्दी करना है दोस्तों, क्योंकि सूखने का चांसेस रहता है और
ये सारे रोज़ेस बनाने के बाद थोड़ा सा जब बच जाएगा, तो मेरे पास कुकी कटर नहीं है, तो मैं ऐसे पेपर से एक हार्ट का शेप दे दिया है। अभी सेकंड कलर डालने से पहले थोड़ा सा पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी और घी लगा लूँगी। और अभी मैंने येलो वाला ले लिया है और येलो वाला पार्ट लेके ऐसे ही सेम हम स्प्रेड कर लेंगे, और बॉटल के कैप के मदद से ऐसे ही हम राउंड राउंड पीसेस ले लेंगे। ये मेरा सेकंड मेथड है रोज़ बनाने का। ये पेटल मैंने 7 ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और अभी ऐसे गोल गोल सा ऐसे घुमाते जाएंगे, तो ये देखिए हमारा रोज़ का शेप बन गया है ना, कितना बढ़िया आइडिया। इस केस में थोड़ा सा छोटा बनता है रोज़ेस, जो पहले वाला में थोड़ा सा बड़ा और ऊंचा बनता है, इसमें थोड़ा सा छोटा बनता है। और चाकू में थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने, और ऐसे पेटल को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। कितना क्यूट सा है ये, देखिए छोटा सा, और ये थोड़ा जो पहले वाला मेथड से हमने बनाया है थोड़ा सा ऊंचा बड़ा बनता है, कितना प्यारा सा है ना। और इस तरीके से सेकंड मेथड से आप रोज़ बनाओगे तो थोड़ा जल्दी बनता है। जल्दी जल्दी बनाने के लिए ये वाला प्रोसेस ठीक है। और इसी मेथड में और थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो आप, तो ढक्कन का साइज़ और थोड़ा बड़ा ले लेना, तो रोज़ेस भी और थोड़ा बड़े बन जाएंगे। तो ये हमारे सारे येलो कलर के रोज़ेस भी बन के तैयार है। और अब ये हार्ट का शेप थोड़ा सा छोटा ले लिया है मैंने, और कितना प्यारा सा हार्ट बना है दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए। चलिए अब हम बनाते हैं पत्ते। ये जो रोज़ेस के नीचे ग्रीन पार्ट है ना, लीव्स, वो रोज़ लीव्स बनाना है हमें। अभी ये ग्रीन पार्ट ले लिया है, सेम प्रोसेस में हम इनको फैला लेंगे। और जो भी हमारा ऐसे कैप ले लिया था हमने, उसी कैप से, और ये वाला कैप मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है ढक्कन, और ऐसे राउंड राउंड काट लेंगे। और ये टुकड़े हम रख लेंगे ढक के, इसी से हम बाद में सेकंड राउंड पत्ते भी बना सकते हैं, क्योंकि एक राउंड में थोड़ा सा बच जाता है तो सेकंड बार भी यूज़ करना पड़ता है। और ऐसे ही ढक्कन के मदद से हम ऐसे देखिए लीफ के शेप दे देंगे। और अभी रोज़ लेके रोज़ के नीचे ऐसे लीफ हम पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही आप नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, लेकिन बहुत ज़ोर से भी नहीं, तो ये पत्ता जो टूटने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से फिक्स हो गया, तो है ना बढ़िया आइडिया दोस्तों। रोज़ भी बनाया आपने, वो भी लीव के साथ, तो रेड वाली में भी ऐसे देखिए ऐसे फिक्स हो जाता है। नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो कितना बढ़िया हमारा कंप्लीट रोज़ विथ लीव तैयार है। अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ है कुछ कुछ होता है, क्या करूँ है कुछ कुछ होता है। दोस्तों वैलेंटाइंस डे आने वाला है, दिल तो कुछ कुछ करेगा ही ना। आपके लव्ड वन के लिए आपने कैसे प्लेट बनाया है वो आप देख लीजिएगा। मैंने तो ये रेड पिंक और येलो रोजेस से मेरे लव्ड वन के लिए प्लेट सजा लिया है, और साथ में हार्ट भी बनाया है। और ये पिंक वाले और रेड वाले कितना मज़ेदार लग रहा है ना दोस्तों। और आपके पास अगर रेड कलर नहीं है, तो पिंक कलर और येलो कलर को थोड़ा सा मिक्स करके आप ये रेड कलर भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है। दो टिप्स ही बहुत ज़रूरी है, ये मिक्स होने के बाद मिल्क पाउडर और दूध के साथ मिक्स होने के बाद थोड़ा गरम गरम ही इसको मसलना है, और गरम गरम रहते ही थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो हार्ड हो जाता है। और सेकेंड टिप ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड अगर हो जाए, तो उस केस में एक चम्मच दूध डाल के अगर थोड़ा सा गर्म कर लोगे माइक्रोवेव में, आप 30 सेकंड गर्म कर लेना, और नहीं तो गैस में थोड़ा सा ही गर्म करने के बाद ये फिर से ढीले पड़ जाता है, तो आराम से आप ये पेटल बना सकते हो। ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मेरी तरफ से प्रयास है। आपने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट में ज़रूर बताना। और
आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करो वैलेंटाइंस डे, है ना दोस्तों। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे ये प्लेट ज़रूर पसंद आएगा सबको, है ना। एटलीस्ट मेरे लव्ड वन को तो ज़रूर पसंद आएगा, और वो भी हार्ट के साथ। जो मैंने मेरे फ्रेंड्स को भेजा है वही आज टुक टाक में मैंने शेयर किया है, वो आप देख लीजिएगा मेरे DIY सेक्शन में। ये जैसे रोज़ेस मैंने अलग अलग पैकिंग में रखा है दोस्तों, ये मैंने टिश्यू ले लिया है और डाल दिया है गुलाब जल। ये गुलाब जल इसलिए डाला क्योंकि रोज़ेस जैसे ही हम खुलेंगे ना तो टिश्यू साइड में ऐसे रख लेंगे और कवर करके रख लेंगे, और जैसे ही हम कवर खुलेंगे तो रोज़ वो भी खुशबू के साथ कितना बढ़िया लगेगा बताइए। तो आप चाहो तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो, लेकिन इन रोज़ेस के ऊपर हमें ऐसे रोज़ वाटर स्प्रे करें तो अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा मतलब रोज़ेस पिघल सकता है। तो इसलिए बेटर यह है, मैंने ये आइडिया लगाया है, रोज़ का स्मेल भी आएगा और फूल ख़राब भी नहीं होगा। तो ये वाला ट्रिक्स आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।